नया वाला कूलिंग चैम्बर जो है फट गया मेरे से। इस ये जो फटा है ये देख लीजिए, यहाँ से फटा है, ये जो छेद दिख रहा है। अभी हम आए हुए हैं सुधा मिल्क फैक्ट्री सुपौल। यहाँ पे आज से लगभग 4-5 दिन पहले जो एसी जेट पंप सर्विस किए थे, तो एक में जो है CH10 एरर मार रहा था, तो वो इंडोर मोटर का था, तो वही मोटर लगाने के लिए आए हैं। इसी एसी में जो है CH10 एरर शो कर रहा है, और इसी एसी में मोटर लगेगा नया वाला। मशीन का रकम 17-16 जैसा वो है ना। उस तरफ से कैप खोलने के बाद मोटर जो है नहीं निकल पाया, इसीलिए अब हमको इधर से खोलकर लगाना पड़ेगा, ताकि ब्लोअर को हम इधर से उधर एडजस्ट करके मोटर को निकालें। मोटर और ब्लोअर के बीच जो जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये छोड़ नहीं रहा, निकल नहीं पा रहा। ये मोटर जो निकल नहीं रहा था, इसीलिए हम यूनिट को ही निकाल लिए। ये कूलिंग कॉइल ऐसे ही रह गया, और नीचे से जो उनका बेस होता है वो चैम्बर निकाल लिए। नीचे वो चैम्बर रखा हुआ है। इसमें हम तेल डाल रहे हैं, किरोसिन ऑयल है, ताकि ये जंग जो है छोड़ दें। ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो ये जो बीच में ये प्लास्टिक है ये टूट सकता है, या ब्लोअर टूट सकता है। इसीलिए मोटर तो ख़राब ही है, तो हम मोटर को ही तोड़ रहे हैं। किसी तरह मोटर जो निकल गया है। ये तो खराब ही था, टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये टूट जाता तो दिक्कत। ये नया वाला मोटर है जिसको अभी हम लगा रहे हैं। ये सुधा मिल्क फैक्ट्री में जो है हम एसी में मोटर लगा दिए। मोटर लगाना थोड़ा डिफिकल्ट रहा, क्योंकि इसका पुराना मोटर जो है ब्लोअर में जंग पकड़ लिया था, जिसकी वजह से निकल नहीं पा रहा था। उसके कारण जो है हमको पूरा यूनिट को ही नीचे उतारना पड़ा। जब यूनिट नीचे उतरा तो वो तेल डाल करके जो है फिर वो निकाल लिए, उसमें भी मोटर को तोड़ना पड़ा। निकाल के नया लगा दिए, एसी चलाए, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कूलिंग अच्छा कर रहा है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गम्हरिया। आज से 4-5 दिन पहले फ्रिज चेक किए थे,
जिसका कूलिंग चैम्बर लीक था, तो वहीं हमको कूलिंग चैम्बर लगाना है और गैस डालना है। सिंगल डोर फ्रिज है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। इसी फ्रिज का हमको कूलिंग चैम्बर चेंज करना है और गैस डालना है। ये इनमें लगा हुआ पहला वाला पुराना कूलिंग चैम्बर है, इनको काट के नीचे उतार लिए, बस सेंसर का वो खोल रहे हैं। कूलिंग चैम्बर में जो नट कसाता है स्क्रू, उसी में रह गया, जंग पकड़े हुआ था तो खुल नहीं रहा था, तो हम कूलिंग चैम्बर को ही खींच लिए। इसके साइड में जो दूसरा छेद कर दिए ताकि दूसरा नट कस सके इसमें। ये नया वाला कूलिंग चैम्बर है जिसको अभी हम जोड़ेंगे। इसको जो है कनेक्ट कर दिया पाइप से, बस इसको ऐसे ही अभी रखेंगे, गैस डाल लेते हैं। गैस डालने के बाद इसका लीकेज भी चेक कर लेंगे हम, उनके बाद इसको सही से पैक करेंगे। अभी हम कूलिंग चैम्बर लगा करके अभी बिना गैस डाले पहले खाली कंप्रेसर चला के देख रहे हैं, बस फ्लश भी कर देते हैं। दूसरे तरफ से जो हवा नहीं निकल रहा है इनका सक्शन वाला पाइप से, जो है हवा बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है। ये तो आवाज कर गया कूलिंग चैम्बर, अब हम काट के निकाल रहे, कूलिंग चैम्बर ही फट गया, पता नहीं कहाँ ब्लॉक हो गया। यहाँ पे हम कूलिंग चैम्बर चेंज कर रहे थे, कूलिंग चैम्बर लगा दिए और अभी ड्रायर और वगैरह जोड़े नहीं थे, बस ऐसे ही सोचे कि एक बार फ्लश कर देते हैं इनको भी लगा के, तो क्या हुआ कि ये कूलिंग चैम्बर फट गया। नया वाला कूलिंग चैम्बर जो है फट गया मेरे से। ये जो फटा है ये देखिए, यहाँ से फटा, ये जो छेद दिख रहा है। तो फिर अब आज इनका भी काम नहीं हो पाया, अब यहाँ से हम जा रहे हैं मधेपुरा, वहाँ एक कंप्लेन है, वहाँ जाके अटेंड कर लेते हैं। इस एसी का जो है कंप्रेसर ऑन नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए चढ़ गए हैं आउटडोर पे। इनका टर्मिनल पे जो थिंबल लगा होता है वो तीनों जल गया है, जिसकी वजह से ये कंप्रेसर जो ऑन नहीं हो पा रहा था। नया थिंबल कंप्रेसर पे लगा दिया और ऑन कर दिए हैं। अब जो कंप्रेसर ऑन हो चुका है, एम्पियर थोड़ा ज़्यादा ले रहा है।